बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, तो आज का हमारा मेन्यू है आलू का पराठा, जो कि आटा गूंदे बगैर हम बना रहे हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसमें मैंने एक कप गंदम का आटा डाल दिया। आधा कप इसमें मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला और एक चम्मच भर के मैंने इसमें सूखी मेथी डाल दी है। एक चौथाई चम्मच मैं इसमें धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैं इसमें उबले हुए और मैश किए हुए दो मीडियम साइज़ के आलू डाल रही हूँ। अब मैं इसमें धनिया कट करके डाल रही हूँ, आप धनिया को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक कट करके। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि हमारी डो जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए, बिल्कुल पतली ना हो जाए। ये देखिए, ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये ज़्यादा ना ही थिक है ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। अब हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। इसमें अब हम बैटर डालेंगे। एक दफ़ा बैटर डालने के बाद इस बैटर को हमने फैला देना है स्पून की मदद से, ताकि हमारा पराठा ज़्यादा थिक भी ना हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, बस नॉर्मल साइज़ का, जैसे हम लोग खाते हैं इस तरह का हमारा पराठा हो। ये देखिए, हमने इसके बैटर को हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिए। चम्मच की मदद से ही हम लोगों ने इसको स्प्रेड करना है और इसकी शेप देनी है, राउंड शेप में इसको हमने इसी तरह से लेकर आना है। इस तरह से आलू का पराठा बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें आटा अलग से गूंदना नहीं पड़ता, ना ही पेड़े बनाने पड़ते हैं, ना ही उसको बेलना पड़ता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अब हम इसके एजेस पे ग्रेसिंग कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से एजेस को पैन से अलग करेंगे और आराम से इसको पलट देंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम इसको ग्रीस कर लेंगे और दोबारा से हम लोगों ने दूसरी साइड पे ले आएंगे। दो मिनट के पकाने के बाद हमने इस पराठे को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखें, अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना मज़े का लग रहा है। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।